नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको अवगत है, Google आपको अभी तक अनलिमिटेड स्पेस देता था Google फोटोज़ के लिए, Google ड्राइव के लिए और Gmail के लिए, लेकिन अब 1 जून से Google ने अपने स्पेस की लिमिट बना दी है। आप 15 GB तक तो फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 GB से ज़्यादा स्पेस यूज़ करना चाहते हैं अपने जीमेल में, गूगल फोटोज़ में और गूगल ड्राइव में, तब आपको उसके लिए पैसे देने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम स्पेस को कम करें, और स्पेस को कम करने का सबसे बेटर तरीका है आपके ईमेल पर जो फालतू के मैसेज आते हैं, जैसे फेसबुक के, आज मैं फेसबुक की बात करूंगा, जो फेसबुक के फालतू मैसेज आते हैं उन्हें जीमेल पर आने से हम किस तरह से रोकें। क्योंकि जब हम फेसबुक चलाते हैं, वहां पर अपना जीमेल डालते हैं, तो फेसबुक के बहुत सारे मैसेज आपको अपने जीमेल पर मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, और मैं फिर उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से हम उनको रोक दें। अगर हम उनको रोक देंगे तो फिर वे हमारे जीमेल पे नहीं जाएंगे और हमारा स्पेस फिलअप नहीं होगा और हमारा 15 GB से ही काम चल जाएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अपने जीमेल पर अगर आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक के जो फालतू मैसेज होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, बर्थडे गिफ्ट वे होते हैं, ये आपके जीमेल पे ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन करना होगा। जहाँ पर भी आपका जीमेल है, देखिए मैं यहाँ पे जीमेल पे लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर आपका जीमेल लॉगिन होगा। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इसके सर्च बार में आप टाइप करेंगे फेसबुक, FACEBOOK, फेसबुक। जैसे ही आप इसके सर्च बार में टाइप करेंगे और इसे सर्च करेंगे, तो देखिए कितने फेसबुक के मैसेज आपके इस पर आए हुए हैं। एक एक दिन में 3-3, 4-4 मैसेज आपके आए हुए हैं, जीमेल आए हुए हैं फेसबुक से, नोटिफिकेशन है, देखिए एक दिन में देखिए 112 नोटिफिकेशन है। और इनसे क्या होता है, आपका स्पेस भर जाता है। अब आपका स्पेस भर जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इनको रोक दीजिए कि ये फेसबुक के मैसेज जीमेल पे ना आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी फेसबुक मैसेज पे हम क्लिक करेंगे। देखिए मैं इस पे फेसबुक मैसेज पे क्लिक करता हूँ, ये नोटिफिकेशन का है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इसमें नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर इसमें लिखा हुआ है दिस मैसेज वाज सेंड टू, आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई है, इफ यू डू नॉट वांट टू रिसीव दीज ईमेल्स फ्रॉम फेसबुक इन द फ्यूचर प्लीज अनसब्सक्राइब। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, किसी भी मैसेज को आप टच करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा ये मैसेज आपका इस ईमेल पे आया है, और यदि आप चाहते हैं कि ये ईमेल पर ना आए फेसबुक से, तो आपको अनसब्सक्राइब करना होगा। यहां पर अनसब्सक्राइब के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अनसब्सक्राइबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा, देखिए वुड यू लाइक टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस ईमेल नोटिफिकेशन, तो आप इसमें कंफर्म और कैंसिल लिखा हुआ है, कंफर्म कर देंगे। यहां पर हमने इसको कंफर्म कर दिया, योर सेटिंग हैज बीन अपडेटेड, ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो पहला काम तो हमें यह करना है। उसके बाद आप अपने फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका फेसबुक पेज है वहां पर आप इसको पहुंच जाएंगे। तो पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप नहीं पहुंचते तो आप अपने फेसबुक को ओपन कर लीजिए। पहुंचने के बाद आपको यहां पर आपको 3 लाइन नजर आ रही होंगी, इन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें सबसे नीचे जाकर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप नीचे जाएंगे देखिए इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सेटिंग के ऑप्शन पे जाके आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके अकाउंट सेटिंग है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर फॉर पोस्ट, एड पेमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें नीचे जाएंगे,
प्राइवेसी सेटिंग है, प्रोफाइल लॉकिंग है, फेस रिकॉग्निशन है। इस तरह से आपका इसमें सबसे नीचे जाने पर देखिए, जैसे आप नीचे चलेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा नोटिफिकेशन सेटिंग। नोटिफिकेशन सेटिंग देखिए, चूज विच नोटिफिकेशन यू वांट और वेयर यू रिसीव देम। आप कौन सा वो नोटिफिकेशन चाहते हैं कि वो आपको मिले, और वेयर यू रिसीव देम, और उन्हें आप कहां चाहते हैं कि आपको वे कहां मिले। तो आप इस पे क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन सेटिंग पर। जैसे ही आप नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट नोटिफिकेशन यू रिसीव, कौन कौन सा नोटिफिकेशन आप रिसीव करना चाहते हैं। कमेंट, कमेंट पे क्लिक करेंगे। कमेंट आप चाहते हैं, देखिए ईमेल पर भी है, अगर आपके कोई कमेंट करेगा ईमेल पर, ये सब ऑन है हमारे, पुश ईमेल एसएमएस। तो आपको ईमेल को ऑन है, इसको आप ऑफ कर देंगे। अगर आप एसएमएस भी नहीं चाहते कि आपके पास एसएमएस आए, तो इसको भी आप और पुश को भी आप ऑफ कर देंगे, और एसएमएस को चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत आपको नहीं है एसएमएस की, ठीक है। उसके बाद अगर आप एसएमएस भी कर देंगे तो कोई भी, केवल पुश को रखिए, आप पुश को ऑन रखिए। उसके बाद ये आपका पहला हो गया, कमेंट हो गया। उसके बाद टैग, अगर आपको कोई टैग करता है तो टैग पे भी इसमें तीन दिए हुए हैं, पुश, ईमेल और एसएमएस। तो ईमेल को आप सबसे पहले बंद कर दीजिए, एसएमएस को भी बंद कर दीजिए, पुश को करना चाहते हैं पुश को भी कर दीजिए, अगर आप बिल्कुल भी नोटिफिकेशन नहीं चाहते। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आप ईमेल को बंद कर दीजिए, एसएमएस को बंद कर दीजिए, पुश को रहने दीजिए क्योंकि वो आपके फेसबुक पे ही आएगा। और अगर आप, मान लीजिए आप सारे ही बंद करना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर कर दो अलाउ नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक। फेसबुक पे भी नहीं चाहते आप तो इसे ऑफ कर दीजिए, फिर आपका कहीं भी नहीं आएगा, और इसे ऑन कर देंगे तो पुश आपका आएगा। उसके बाद बात करते हैं रिमाइंडर्स हो गया, सी मोर आपके ये सारे हैं। बर्थडे का है, मान लीजिए आपके बर्थडे के मैसेज आते हैं, मोर एक्टिविटी अबाउट यू, इनको भी ईमेल पर जहां पर भी है आप सबसे पहले ईमेल को ही बंद कर दीजिए। अब ये हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जितने भी हैं आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी ईमेल पे आएगी, उसको भी आप बंद कीजिए, ऑफ कर दीजिए, एसएमएस को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ये बहुत सारे हैं, वीडियो है, इवेंट है, पेजेस यू लाइक, अदर नोटिफिकेशन है, ये सब आप अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन बंद बिल्कुल ईमेल पर, तो ये आपके हो जाएंगे। उसके बाद वेयर यू रिसीव नोटिफिकेशन, आप ये नोटिफिकेशन कहां प्राप्त करना चाहते हैं, तो ईमेल पर तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, तो ईमेल पे क्लिक करेंगे, और ईमेल पे क्लिक करने के बाद आप इनको बंद कर देंगे। देखिए ये ईमेल नोटिफिकेशन, कमेंट का मैंने ऑफ किया हुआ है, टैग का, रिमाइंडर का ऑफ का, अपडेट फ्रॉम फ्रेंड्स इसको भी मैं ऑफ कर देता हूं, पीपल यू मे नो इसको भी ऑन कर देता हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ये बर्थडे, वीडियो, इवेंट, ये सब मुझे बंद करने हैं। धीरे धीरे करके आप इनको इस तरह से बंद कर दीजिए, ये भी ये बंद हो गए। अब आपके ईमेल पर, ये फेसबुक पर देखिए, आप पीछे बैक करेंगे तो ऑन ईमेल, ऑन सजेस्टेड ईमेल पर ऑन हो रहा है ये, सजेस्टेड ओनली अबाउट योर अकाउंट, ऑल ऑल पे तो आपको करना नहीं है, ईमेल फ्रीक्वेंसी ओनली सजेस्टेड, सजेस्ट व्हेन यू थिंक यू इंटरेस्टेड, एक्सेप्ट द वंस यू टर्न ऑफ, ठीक। उसके बाद इस तरह से आप एसएमएस को भी कर सकते हैं, एसएमएस के लिए आपको मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, आपने ऐड नहीं कर रखा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, केवल पूछ के रखिए, ईमेल के आप सब ऑफ कर दीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन अब आपके ईमेल पर नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर्स नोटिफिकेशन बताऊंगा किस तरह से बंद करने हैं, और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप सारे के सारे ईमेल जो आपके हैं, एक एक करके आप ईमेल को डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सारे के सारे ईमेल हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं एक ही बार में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।